अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में पैगंबर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 छोटी छोटी हदीसें सुनाने वाला हूँ। बहुत खूबसूरत बेहतरीन काबिल अमल हदीसें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात खूबसूरत होती है, हर बात काबिल अमल होती है, लेकिन इनमें से मैंने आपकी खिदमत में ये शॉर्ट और छोटी छोटी 5 हदीसें पेश करनी हैं जो काबिल अमल हैं, यानी इनको इन पर फोकस और तवज्जो की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा फ़ायदा है। चाहे पहली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। हम में से हमारे घर में से एक हर घर में एक आध मरीज पेशेंट इसी वहम जादू सहर जिन्नात इन इस तरीके की बीमारियों का एक न एक पेशेंट ज़रूर होता है। कभी हमने गौर किया कि उसके क्या क्या रीज़न और असबाब होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन और दिमाग में उसके रीज़न और असबाब मौजूद थे और आपको मालूम था ये इस तरीके की बीमारियां और परेशानियां क्यों आती हैं। इसलिए आपने अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए पहले ही इरशाद फरमा दिया है कि इस तरीके की तमाम बीमारियों और परेशानियों और तकलीफ़ों से नजात पाने के लिए आदमी बावजू रहे। जो आदमी बावजू रहेगा वो इस तरीके की परेशानियों से महफूज रहेगा। सहर जादू वगैरह का असर बावजू इंसान जो रहता है उसके ऊपर नहीं होता है। इसलिए हमारे जो भाई और बहनें इस तरीके की बीमारियों का शिकार हैं वो अपने आप को पाक रहने का आदि बनाएं, नापाक ना रहें, और पाकी में भी मुकम्मल तहारत यानी बावजू रहने का अहतमाम करें। इंशाअल्लाह ये इस तरीके की बीमारियों और आफात से आप महफूज रहेंगे। हुजूर ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, सूद और हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। आज हम ये शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जिंदगियां बीत गई, हमारी बिगड़ी नहीं बनती, हमारे बच्चों के निकाह ही नहीं हो रहे, हमारे कारोबार ही नहीं चल रहा है, हमारी बिजनेस ठप हो गया है, और तमाम तरीक़े के मसाइल हर एक के सामने होते हैं, लेकिन कभी हम ये गौर नहीं करते कि जो हम खा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। जो बंदा हलाल नहीं खाएगा, हराम उसके पेट में जा रहा है, तो हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आप माथे पेशानियाँ रगड़ रगड़ करके काली कर लें, दुआएँ मांग मांग करके आंसू खुश्क कर दें, रो रो करके अपनी आँखों को बेकार कर लें, होठों को सुखा लें दुआएं मांग मांग करके, कबूल नहीं होंगी। इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, सूद और हराम खाने वालों की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। इसलिए हमें अपने खाने पीने, ओढ़ने पहनने और अपनी रोज़ी के जो ज़राए हैं उनमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहीं हराम तो नहीं खा रहे हैं। अगर हलाल खाएंगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह दुआ कबूल करेगा। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस ये है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत होती है। यानी जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, मरते ही वो जन्नत में जाएगा। जब ये वास्ता और जब ये दरमियान की रुकावट मौत ख़त्म होगी तो फिर वो दुनिया से डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। इतनी अजीम शान फजीलत है आयतुल कुर्सी पढ़ने की। इसलिए हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का अहतमाम करा करें, अल्लाह ताला मरते ही जन्नत में दाखिल करेगा, ये इस आयत की फजीलत है। चौथी हदीस, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी नमाजों की फ़िक्र छोड़ दी अल्लाह ने उसकी फ़िक्र छोड़ दी। जो अपनी नमाजों की फ़िक्र नहीं करता अल्लाह को ऐसे इंसान की कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला ऐसे इंसान के बारे में किसी खैर के फ़ैसले को नहीं करता है। जो बंदा नमाज की फ़िक्र करता है अल्लाह ऐसे बंदे के लिए खैर के फ़ैसले करता है, अल्लाह उसकी जानिब खुसूसी तवज्जो डालता है, खुसूसी अल्लाह की जानिब से रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं।
इसलिए हमारी माएँ और बहनें गौर व फिक्र करें और नमाजों की फ़िक्र को अपने ऊपर लागू करें। जब हम नमाज की अल्लाह के इस अजीम शान हुक्म की परवाह और फ़िक्र करेंगे, फिर अल्लाह हमारी परवाह और फ़िक्र करेगा, वरना उसने भी हमने ऐसे ही इग्नोर कर देना है जैसे हम नमाजों को इग्नोर और नज़रअंदाज कर देते हैं। पांचवी बात, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस शख्स को आबाद रखता है जो हदीस सुनकर दूसरों को पहुंचाए। जो हदीस सुने और दूसरों तक वो हदीस पहुंचा दे, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को आबाद और तरोताज़ा रखता है। इसलिए जब कोई अच्छी बात, हदीस, रसूलुल्लाह की बात, रसूलुल्लाह का कौल, रसूलुल्लाह का फरमान सुने तो उसको लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला उसकी वजह से उस शेयर करने वाले और पहुंचाने वाले, दूसरों तक पहुंचने का ज़रिया बनने वाले को भी अल्लाह खुश और तरोताज़ा रखता है, उसको शाद और आबाद रखता है। दोस्तों, ये मैंने आपकी खिदमत में पांच बेहतरीन शानदार अजीम शान रिवायतें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।